नरसिंहपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नकटुआ शाखा में अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति ने दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया, जो नाकाम रहा। नकाबपोश की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। हाँ, 2:30 बजे के करीब एक गनमैन आया, वो बंदूक से उसके हाथ पे, और काफ़ी देर कोशिश करता रहा। एक लड़का जो कि हमारा बाहर था टेम्प्रेरी वाला, तो उसके चलते इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, और नहीं तो काफ़ी देर रहा। और क्या बंदूक रखे हुए था? बंदूक रखे हुए था। तो क्या कह रहा था कैशियर से? भाई, कैश देने की बात और चाबी। चाबी और कैश मांग रहा था। एक डकैत बंदूक लेके आ गया और सामने उसको रख के और बैग लेके मेरे को बोला जो भी है इसमें वो मेरे को डाल दो। तो मैं थोड़ी देर क्या कंफ्यूज हो गया, मेरे को क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो इतनी देर में क्या हुआ, वो पीछे साइड में चला गया और मैं इधर आके सायरन बजा दिया। जब भी हमारे एक स्टाफ बाहर गया हुआ था कुछ सामान लेने, उसने आके गेट लगा दिया, तो उसके बंदूक दिखाया, उसको बंदूक दिखा के फिर जब सायरन बजा तो लोग इकट्ठे हो गए और वो बाहर भाग गया गाड़ी लेके। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई? हानि नहीं हुई, बच गए। कैश और लॉकर वगैरह सब सुविधा उपलब्ध है? और सब लूटने के लिए उसने बोला अंदर आ गए। और एक सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है? सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है नहीं, इसलिए थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। आपने सायरन बजाया? सायरन बजाया। घटना की जानकारी मिलते ही एडिशनल SP राजेश तिवारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पहुंचे, जिन्होंने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए नरसिंहपुर जिले की सारी सीमाएं सील की जाकर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। एक लड़का दुबला पतला, जो नीले रंग का पैंट, सफेद शर्ट और गमछा बांध के हाथ में एयर पिस्टल लेके घुसा था। वो बैंक के अंदर घुसा और उसने कैशियर से बोला कि जितना भी कैश दे दो। कैशियर समझदार था, उसने इसी बीच में बटन दबा दिया, सायरन बज गया। सायरन बजते ही वो लड़का यहाँ से भाग गया। लड़का टीवीएस गाड़ी थी ब्लू रंग की, उसमें आया था। कुछ बातें अभी पता चली है, सामने आई, हमारी टीम रवाना हो गई है और नाकेबंदी भी कर रहे हैं, और जो कैमरे हैं उसको भी हम लोग पूरे खंगाल रहे हैं। हम शीघ्र अतिशीघ्र इसकी गिरफ्तारी करेंगे। सर, क्या सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था नहीं है? सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था के लिए लगातार हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हर बैंक में होना चाहिए, अभी कुछ बैंकों में नहीं है, तो लगातार इसके प्रयास किए जा रहे हैं कि बैंकों में सुरक्षा गार्ड रहे। नरसिंहपुर से संजीव पटेल की रिपोर्ट।